हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्लास 12 यूपी बोर्ड पोयम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस को का अध्ययन करेंगे और मैंने इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर दिया है और फर्स्ट पार्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो ये जो मैं आपको बता दूँ, देखिए थोड़ा वीडियो क्लियरिटी ठीक नहीं है, स्टैंड वगैरह नहीं, लेकिन आप समझिए कि मैं इस लॉकडाउन में इस जहाँ पर स्कूल कोचिंग्स वगैरह बंद हैं, फिर भी मैं आपको लोगों के लिए घर से इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इसका रिस्पांस दीजिए, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो बच्चे क्लास 12 पोयम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है आपकी एक पोयम है, जॉन मिल्टन ने लिखा है, जो कि एक प्रकार का सोनेट है। तो मैं बात करूँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब अपने अंधेपन पर, देखो हिज मतलब अपने, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन और ऑन मतलब पर, अपने अंधेपन पर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ बच्चे, तो थोड़ा ये सोनेट है और मैं सोनेट का यहाँ जिक्र देता हूँ, थोड़ी देर ले लो। देखो सोनेट जो होते हैं, सोनेट अब कैसे, मान लीजिए मैंने आपको सोनेट बताया, हो सकता है आपको सोनेट ना पता हो, तो सोनेट मैं बता दूँ, तो सोनेट ऐसी पोयम होती है, आप समझिए मैं बात, इंग्लिश की ऐसी कोई पोयम जिसमें 14 लाइन हो। कितनी लाइन हो बच्चे? 14 लाइन। देखो ये लिखा भी है, अगर 14 लाइन की कोई भी कविता इंग्लिश की मिल जाती है तो उसे आप क्या कहना? सोनेट कहना। और आप इसको पुस्तक में चेक कर लेना, 14 लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, ठीक है? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब 14 लाइन की इंग्लिश की कोई भी कविता क्या कहलाती है? सोनेट कहलाती है। और सोनेट के जो जनक हैं, फादर हैं, वो पिट्रार्च जी हैं। कौन है फादर? पिट्रार्च हैं। जैसे इंग्लिश के पिताजी कौन हैं, फादर किसको कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर जी को कहा जाता है। उसी प्रकार से सोनेट के पिताजी जो हैं पिट्रार्च हैं। और मैं सोनेट का जो डिस्क्रिप्शन बता दूं, तो क्लासिफिकेशन करें तो सोनेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शेक्सपियरियन सोनेट, जो विलियम शेक्सपियर के ज़माने का है, ठीक है? एक है पिट्रार्चियन सोनेट, जो कि मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मिल्टन के नाम से भी जाने जाते हैं, मिल्टन भी सोनेट लिखा करते थे। और दोनों सोनेट की विशेषता है कि दोनों में 14-14 लाइनें होंगी, लेकिन फिर भी हम कैसे पहचाने कि ये शेक्सपियरियन सोनेट है, मिल्टोनिक सोनेट है या पिट्रार्चियन सोनेट है? जो शेक्सपियरियन सोनेट होगा वो बच्चे जैसे 4-4 लाइन के स्टैंजा में डिवाइड होगा और फाइनली अंत में एक दो लाइन्स का आपका ये कपलेट होगा, दोहा टाइप में, उसमें आपके आंसर होंगे। तो इस प्रकार से 14 लाइनें में डिवाइड होगा, तो उसको देखते ही आप पहचान लोगे कि एक शेक्सपियरियन सोनेट है। जबकि पिट्रार्चियन सोनेट की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक होगा आपका 8 लाइन, एक 6 लाइन। 8 लाइन होने के कारण इसको ऑक्टेट कहते हैं, 6 लाइन होने के कारण इसको क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेट में कोई ना कोई क्वेश्चन होते हैं और सेस्टेट में उसी का आंसर होता है। तो इसी प्रकार से मैं छोटी सी आपको इंट्रोडक्शन दिया सोनेट, इसी प्रकार से बाकी सोनेट डिटेल्स बहुत हैं। मैं अपने इस टॉपिक पर आता हूँ, तो आप समझिए आपका लेसन जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब अपने अंधेपन पर। जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि अपने अंधेपन पर बताने का जिक्र करते हैं कि देखो जॉन मिल्टन जो थे वो अंधे हो गए थे बेचारे, वो जन्म से तो अंधे नहीं थे लेकिन अंधे हो गए मतलब आफ्टर जब पढ़ाई कर रहे थे, और अंधे हुए थे 44 साल की अवस्था में अंधे हो गए थे। और इतनी कंडीशन थी कि अंधे होने के बाद इनके जो तीव्र इच्छा थी मन की कि मैं अपने सेवा करना चाहता हूँ समाज की, लोगों की, और इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते थे। तो इस प्रकार से जॉन मिल्टन जी बहुत दुखी हो गए, फिर भी इनको इन अंतरात्मा से प्रेरणा मिली कि नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने कार्य करते रहना है। तो इस प्रकार से जिक्र किया गया है। तो सोनेट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, हमारा टाइटल क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। तो देखिए जैसा ही लिखते हैं, मैं मीनिंग इसमें बताता चलूँगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। When I consider, जब मैं सोचता हूँ, देखिए बच्चे when मतलब जब, I मतलब मैं, consider मतलब जब मैं सोचता हूँ। जॉन मिल्टन जी बता रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ how my light, कैसे my light, कैसे मेरा आँखों का प्रकाश, कैसे मेरी आँखों की ज्योति light is spent, चली गई, गायब हो गई, नष्ट हो गई, मैं कैसे अंधा हो गया, कैसे मैं अंधा हो गया जब मैं इस बात को सोचता हूँ। कौन कहता है? जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि इस दुनिया में मैं कैसे अंधा हो गया, एयर हाफ माई डेज, बच्चे एयर का मतलब बिफोर पढ़ा जाएगा, बिफोर हाफ माई डेज, डेज मतलब उम्र, बिफोर मतलब पहले। तो देखिए मेरी, माई मतलब मेरा, हाफ मतलब आधा, तो मेरी आधी उम्र के पहले, मेरी आधी उम्र के पहले, मेरी
आधी उम्र के पहले, ठीक, मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई जब मैं इस बात का सोचता हूँ, जिक्र करता हूँ। आगे लिखा, इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकार में, संसार में, एंड वाइड, वाइड मतलब विस्तृत, मतलब इस विशाल, तो इस विशाल और अंधकार में, संसार में, मेरे आँखों की रोशनी मेरी आधी उम्र व्यतीत होने के पहले कैसे गायब हो गई जब मैं इस बात को सोचता हूँ। तो ये दोनों लाइन का आपका अर्थ हुआ, तो बताइए अंधे हो गए। फिर उसके बाद उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कह रहे, और भी बता रहे हैं, एंड और दैट वन टैलेंट, वह एक टैलेंट, टैलेंट मतलब योग्यता, कुशलता, दैट मतलब वह, और वह एक काबिलियत, कौन सी काबिलियत थी जॉन मिल्टन के अंदर, भाई ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा तो पोएम लिखने की उनकी शैली थी, बहुत बढ़िया पोएम लिखते थे। तो एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक काबिलियत, विच इज डेथ टू हाइड, मेरे पास जो कविता लिखने की शक्ति है, विच टू हाइड, जिसे छिपाना इज डेथ, मृत्यु के समान है, और वह एक टैलेंट जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है। ठीक बच्चे, जिसे छिपाना क्या है, नैतिक मृत्यु के समान है। लॉर्ड गेड पड़ी रह जाएगी विथ मी, मेरे अंदर यूजलेस, मेरे अंदर क्या पड़ी रह जाएगी, यूजलेस पड़ी रह जाएगी, बेकार पड़ी रह जाएगी। ठीक, मेरे मेरे अंदर कैसे पड़ी रह जाएगी, बेकार पड़ी रह जाएगी। तो इस बात की उनको चिंता सताती है। फिर एक बार फिर से बता दूं, यहाँ समझिए, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई है, बिफोर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र व्यतीत होने के पहले, अर्थात 44 वर्ष की अवस्था में मैं कैसे अंधा हो गया, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइल्ड, इस विस्तृत अंधकार में, संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक टैलेंट, कभी तो शक्ति, विच इज डेड टू हाइड, जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, लॉर्ड गेट विथ मी, मेरे मुझ में पड़ी रह जाएगी, यूजलेस बिल्कुल बेकार पड़ी रह जाएगी, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ, अब मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, और बिना लिखे अपनी पोएटिक को, राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करें, कैसे विकसित करें, कैसे लोगों के सामने बताएं कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, इस बात की उनको चिंता है। वही कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो बेकार पड़ा रह जाएगा। और दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी अंतरात्मा मुझको अत्यधिक प्रेरित करती है, क्या प्रेरित करती है, कि आप अपने टैलेंट का यूज करिए, दोष न दीजिए कि अंधा हो गया हूँ, आप अपने टैलेंट का यूज करिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से महान लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोए हैं और जीवन में आगे बढ़े हैं, अपना नाम किया है। तो बच्चे, ये यहाँ के बाद ये शेष एक्सप्लेनेशन मैंने पार्ट 2 में अपलोड कर दिया है, तो आप इसे अधिक पढ़ने के लिए, इसके अधिक जानकारी करने के लिए इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस का पार्ट 2 का देख लेंगे, उसमें पूरा बताया गया है, आप अध्ययन कर लीजिएगा। तो बच्चों, अगर आप वीडियो लाइक हो, अच्छा लगे, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें।